कहना चाहूँगी कि देखें, आज ये औरतों का आलमी दिन है और पाकिस्तान में हम जिस माहौल में, एक बहुत टेंस माहौल में हम ये दिन मनाने जा रहे हैं। ना सुबह हमें एमएनओसी मिला और बहुत सारे थ्रेट्स मुख्तलिफ ग्रोह, आप देखें सोशल मीडिया पे, आप देख लें मुख्तलिफ मजहबी जो ग्रोह हैं, शिद्दत पसंद ग्रोह हैं, वो औरतों के वो हमें थ्रेट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ आए क्योंकि ये इसके लिए हमने अप्लाई किया था। तो आज के दिन के हिसाब से हम यही बात करना चाहते हैं कि देखें, मुल्क के अंदर औरतों के साथ जिस किस्म की नाइंसाफियाँ हो रही हैं, ना आप उनको तालीम का मौके दे रहे हैं, ना आप उनको अच्छी सेहत दे रहे हैं, ना आपको जहाँ रोज़गार के लिए वो निकलती है वहाँ पे जिनसी हरासियत के वाक़यात हो रहे हैं, औरतों पे तशद्दुद के वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आज का मतालबा है वो यही है कि रियासत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और आर्टिकल 25 जो कहते हैं कि जिन्स की बुनियाद पे कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, तो वो उसके ऊपर अमल दरामल किया जाए और औरतों को एक महफूज माहौल जो है वो दिया जाए, ताकि औरतें जो है वो समाज में जो है वो भी एक बाख्तियार शहरी की हैसियत से आगे बढ़ सके।
Especially because I designed this banner, so I want it to be seen. Thank you.
बात। मैडम मैडम कोई वक्त है घर आने का, जब से कोरोना वायरस हुआ है बच्चों ने सर घर पे उठाया हुआ है।
बाजी के घर कुछ मेहमान आए थे, मुझे कुछ काम करना, हमारी नहीं मिली इसलिए देर से आ गई। बच्चे कहाँ है और उसे नहीं लेके आए तुमको? सब काम करती है, घर को संभाला, बच्चों को देखना तुम्हारी असली जिम्मेदारी है, इस पे गौर करो। बैठ क्यों, क्या कर रही हो? जाओ खाना गर्म करके लाओ। तीन बच्चों की माँ अकेली रात को 12 बजे घर से निकली क्यों थी? हो हाय, वापस चली जाती? अरे बेटियों वालों जरा ख्याल रखो, अब हमारी सोसाइटी ऐसी थोड़ी ना है कि रात को इस वक्त निकला जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये लास्ट पे खड़ा हूँ जहाँ वो प्ले हो रहा है उनका। ठीक है, मैं DSP के पास आ रहा हूँ। ये नहीं, इधर लास्ट पे खड़ा हूँ, माइक लेके इस तरफ आ जाए ना, इनका पूरा व्यू आ जाएगा पीछे से। अगर रात को निकलना ही था इमरजेंसी में तो जितनी रोड से जाती, जहाँ इनकी टेल है ना उस साइड पे खड़ा हूँ। जी इनकी बैक साइड पे रोड पे हूँ, जो उधर से रोड आ रहा है ना पार्लियामेंट की तरफ। हाँ इधर आते जाओ, आते जाओ, ठीक है, माइक ले आओ, इधर ही आते जाओ, जिधर आ रहे थे ठीक आ रहे थे आप। जी जी जी, इधर को आते जाएंगे, ठीक आ रहे थे आप, आ जाओ। ब्रेक करने वाले उनके हमदर्द आजाद मिल रहे हैं, ना मेरी गलती। बहुत बहुत मोहब्बत से अल्लाह मियां ने मुझे भेजा किसी बाप की। अम्मी ने तो ख्वाहिश की थी कि मेरी ये जो रहमत आ रही है, नाम रोशन करे। निकला तो मैं एक सितारा, एक गुल, एक मोजज़ा। आधा लड़की, आधा मर्द, बताएं आपको दे दें। भाई वो तो बड़े ओल्ड फैशन थे, उन लोगों ने सोचा एक आध दिन में कैसे लड़ेगा दुनिया से। मगर अब तो भाई नया जमाना आ गया है। वो पड़ोस में एक होती थी, उसके घर भी ऐसी ही कुछ। अब कॉलेज ट्रेन डॉक्टर पकड़ा, उसको थोड़ी बातें सुनाई, थोड़े अपने दर्द सुनाए, उसने 2 मिनटों में अपनी मॉडर्न ट्रेनिंग से इस परेशानी को छुपा दिया, मिटा दिया, ढका दिया, काट दिया। अरे बीबी, मेरी अम्मा बोली, ऐ जे शख्सियत होंदी है,
ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई जिंसी गड़बड़। बीबी बोली, बड़ी तू मासूम बन रही है, तेरा घर वाला नहीं है, घर पे कोई मर्द नहीं है, उससे सब पता है कैसे संभालना है किरदार को, वो कर लेगा काबू किरदार को। बस आ गए चले।